महादेव, हर हर महादेव। हम जिनके संग जा रहे थे वो स्पेशल पर्सन इधर है। हमने कहा चिप्स चिप्स ले लेते हैं कुछ खाने के लिए। आपका थल केदार का जो मेन गेट है, बीस बीस हजार वो मांगा ने कहा बटे पूरा खुला हुआ है भाई, थल केदार मंदिर के बहुत ही नियर पे। और इस बार की शिवरात्रि नहीं हमारी नहीं मानेगी भाई। ये हमारे आपका थल केदार मंदिर के पंडित जी है। तो यार कुछ इस टाइप की है भाई धर्मशाला, यहाँ पे तो पूरी सारी की सारी सुविधा यार। ये पिथौरागढ़ की सबसे हाईएस्ट चोटी में है। तो पहले भी आए होंगे। तो यह भाई आपका नौला खाना ना बना रहे, सब्जी वब्जी बन रही है बढ़िया, आलू आलू वाले हुए हैं वो छिल रहे हैं अपना। मैं 8 साल की उम्र में नेपाल से निकल गया कि सिर्फ जो है कर्म पर, अपने कर्म पर जो है ध्यान देना है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहा है सुबह के अप्रॉक्सीमेटली आपका 10:30, और आप लोगों को पता है कि अभी हमारी गंगोली हाट की सीरीज चली थी। वेल गंगोली हाट की सीरीज में थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा, उसके बाद ही आपको एक लास्ट एपिसोड गंगोली हाट का देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आज वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि यानी कि 18 फरवरी 2023 को जो महाशिवरात्रि है वो आने वाली है, यानी कि उसी शुभ मुहूर्त में हम लोग एक बहुत ही फेमस मंदिर जा रहे हैं जिसका नाम है आपका थल केदार, वो की पिथौरागढ़ का जाना माना मंदिर है। और वो पूरा जो मंदिर है वो आपको शिव भगवान जो है उनको समर्पित है। वेल वो जो मंदिर है वो यहाँ से भी ऑलमोस्ट दिखता है, जो आप लोग सबसे हाइट में माउंटेन देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे को एक टावर भी है, वहीं पे जो मंदिर है वो थल केदार वहीं पे सिचुएटेड है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान या फिर माता रानी का बुलावा आता है तभी वहाँ जाया जाता है, तो वैसा ही आज को हुआ। वैसे तो मैं आज ही जा रहा हूँ, जो महाशिवरात्रि वो आपका कल है, हमने सोचा आज के दिन जाते हैं। आज हमारा जो नाइट स्टे होने वाला है वो वहीं मंदिर में होने वाला है, और आगे आगे की जो जो प्रोसेस होगी, जो जो चीज़ें होंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। तो यार आज के इस ब्लॉग में हमारे साथ दो स्पेशल पर्सन जुड़ने वाले हैं, वो आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा केमू स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। सो फाइनली यार हम लोग पहुंचे थे आपका केमू स्टेशन। वेल हमें गाड़ी भी तुरंत मिल गई है। वेल हम जिनके संग जा रहे थे वो स्पेशल पर्सन इधर हैं, इनको आप जानते हो यूवी भाई, और ये हमारे साथ नवीन भाई जो कि इनके फ्रेंड है, और अब ये हमारे भी दोस्त बन गए। तो रेडी हो, एक्साइटेड? कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? चलो फिर लेट्स गो। ये आपका अपनी ऑल्टो है, इसी में निकल रहे हम लोग। अपनी किराया फुल देंगे तो बढ़िया अपनी रहेगी जब तक हम लोग वहाँ पहुँचने जाते हैं। आज हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज उतना ज्यादा क्राउड नहीं होगा। वेल मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिथौरागढ़ से थलकेदार की जो बिल्कुल करेक्ट डिस्टेंस है वो आई थिंक 22 किलोमीटर है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एक शॉप में आया था, यहाँ से हमने कहा चिप्स चिप्स ले लेते हैं कुछ। तो फाइनली यार अभी हम लोग पहुंचे आपका थल केदार के जो मेन वाला गेट है वहां पे को। वेल ये जो रोड थी हम लोग, ये बड़ाबी वाली रोड है, ये आगे बड़ाबी के लिए निकलती है। वेल ये आपका थल केदार का जो मेन गेट है यानी कि मेन द्वार जैसे कहते हैं वो ये है, और यहीं से अभी हम लोग जाएंगे और हमारे दोनों भाई लोग को दिखेगा थल केदार मंदिर मार करके, यहीं से अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं। ये जो बुबू है ना, ये अपना यहाँ पे अपना बढ़िया से लगे हुए डुबके बना जिसमें घास वास रखते है, ये पूरा लकड़ी का बना रहे। ये वो है क्या अंकल, बांस है? हाँ निगाल, अच्छा बांस टाइप का लग रहा है अंकल जी। बहुत टाइम से लगे हैं, उतनी देर से ना मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से अंकल। अच्छा ठीक है अंकल जी, बढ़िया। तो अभी तक तो हम लोग आपका रोड बाय रोड ही आए थे, लेकिन अब यहाँ से जो है वो हमारी असली जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग शायद 3.5 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, मोटा 4 किलोमीटर मान के चलिए। ये आपका रोड है और यहाँ से अभी हम लोग ऊपर को जाएंगे बढ़िया से। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी गेट को तो हमने आके क्रॉस कर लिया। वेल यहाँ पे को आप लोग को आपका हर एक टूरिस्ट प्लेस मिलता है जहाँ पे को पूरी डिटेल लिखी होती है, जैसे यहाँ पे को पूरा लिखा हुआ है, यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि प्राकृतिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटक दृष्टि यानी कि जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थल केदार में शिवरात्रि के उत्सव के समय एक भव्य मेला यानी कि जो कल है शिवरात्रि है, कल को यहाँ मेला लगेगा जो कि श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। प्रमुख हिमालयी भूगोल
भौगोलिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह डोलामाइट चट्टान लगभग 1000 वर्षों पुरानी है भाई, मतलब ये काफ़ी पुरानी चट्टान है, जो कि जम्मू में स्थित यानी कि जम्मू कश्मीर में एक माँ वैष्णो देवी मंदिर है उसके बराबर है जो इसकी मान्यता है। थल केदार ऊंची चोटी में स्थित है जबकि वैष्णो देवी मंदिर की गुफा ऊंचे पहाड़ की ढलान पर विद्यमान है। तो यहाँ से चलते हैं अभी ऊपर को, ऊपर ही ऊपर ये हमारी चढ़ाई है। ये जो पेड़ है यहाँ पे को आपको बुरांस के फूल वगैरह सब दिखेंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना रेड कलर के, ये बुरांस के फूल है और ये काफ़ी मतलब मात्रा में यहाँ से लोग ले जाते हैं क्योंकि इसका आप लोगों को पता है इसका जूस भी बनता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आज तो ऐसे उतनी भीड़ नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, कल बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। ये मतलब ये जो रास्ता है पूरा भरा हुआ होगा, मुझे लगता है कि बांस के पेड़ है यहाँ चारों तरफ। तो यहाँ पे को हमारे भाई ने एक दोस्त बना लिए थे जो कि आई थिंक थल केदार के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आप, यहीं से पिथौरागढ़ से? क्या नाम है आपका? यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा है क्या? भालू का, भालू आते हैं यहाँ? कि जब हम लोग पिथौरागढ़ से ऑल्टो में यहाँ तक आए थे ना थल केदार तक, तो दादा ने आपका 100 रुपये पर पर्सन आपका चार्ज किया था। उसके अलावा जो मैक्स का उसका आइडिया नहीं है मेरे को कितना देते हैं। ये है भाई प्रॉपर बुरांस जो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, रेड कलर का है पूरा एकदम। रास्तों में अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से आप लोग को एक व्यू दिखेगा। यहाँ पे को पहले क्या होता था कि ना, पहले फायर रेंज है शायद मेरे ख्याल से, शूटिंग वगैरह होती थी, शूटिंग रेंज है। निकल जा। तो यहाँ पे को रास्ते में आंटी लोग अपना पेड़ काट रहे हैं, बाज का लुपटा बना रखा है। तो भाई थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सांस फूलने लग गई है। मतलब तो अभी तक तो क्या था कि ना पूरा एकदम सीमेंट वाला रूट था प्रॉपर तरीके से, बट अब असली जो रूट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से जो रास्ता है ना पूरा ये पत्थरों का बना हुआ है भाई। ये लौंडा तो घर से ही चाय है लेके आया था बढ़िया। भाई साहब एकदम गर्मा गर्म है यहाँ चाय। फेमस का नाम क्या है? ये मिल्टन, मिल्टन का है? वो मुझे भी नहीं पता, मिल्टन पे लिखा हुआ। तो अभी आगे थोड़े भाई लोग भी आ रखे हैं, हम लोग आगे वो बड़े रहे थे पहले। यहाँ पे हमारे युवराज भाई लाइव आए हुए, इनका लाइव सेशन चल रहा है तगड़ा। और ये भाई ने पावर बैंक भी लेके आ रखा पूरा मस्त, वो भी दो 20,000 mAh के पावर बैंक है भाई। मतलब अगर रात को लाइट भी ना मिले ना तब भी फोन फुल चार्ज रहेंगे हमारे। एक चीज़ की दिक्कत है कि हम लोग पानी लाए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं पता है। अब वहाँ देखते कि पानी मिलता है नहीं मिलता है। वो वहाँ जाना है हमें कहाँ? वो देखो सुनते हर ग्रह दिख रहा मंदिर। अच्छा हमारे को टावर है ना? हाँ ये देख रहे हो आप लोग, यहीं जाना है हमें। तो यहाँ पे को आप लोगों को एक बोर्ड मिल जाएगा रास्ते में, यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखा हुआ। तो यहाँ से चलते हैं लेट्स। पीछे से लाइव आ रहा है और पीछे कह रहा हूँ हाँ जो लाइव आ रखे हैं तो सस्ता अगर वहाँ बेटे वहाँ। यहाँ पे चल रहा है भाइयों का रेस्ट बढ़िया, इन्होंने बढ़िया गाने बजाए हैं यार। चलो बढ़िया, यहीं के हो आप लोग वैसे? चलो तो यार अभी हम लोग आए थे इस वाले रूट से होते हुए और यहाँ पे को आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। वेल यहाँ पे को पूरा आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, तो यहीं से भी आगे का रास्ता है। तो यार अभी हम लोग जस्ट आई थिंक पहुँचने वाले थोड़ी देर में, और यहाँ पे से जो रास्ता है ना वो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है, बिल्कुल ऊपर से पेड़ों पेड़ों और एकदम मस्त छाया है। यहाँ पे को इतने प्यारे प्यारे शॉट ले रहे हैं ना अभी हम लोगों ने, वो सारे के सारे आपका इंस्टाग्राम में डालेंगे, तो जाके हमें मेरे भी फॉलो करो, नीरज 7 ऑफिशियल एंड युवराज सेट्टी, सेट्टी सेट्टी युवराज सेट्टी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तू डालेगा। और यहाँ साइड से ना अभी जो रास्ता है वो आपका ढलान से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा डाउन में ही है। जो थल केदार वाला रूट है ना, और आप लोगों को रूट में पता है इस टाइप का कुछ एक पेड़ दिखेगा, ये एक तरह से ये लोग भाई लोग कह रहे थे कि आपका खुला पेड़ है, तो पूरा खुला ही पेड़ है। यहाँ पे को आप लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश से बच सकते हो, क्यों या पानी आ जाएगा ऊपर? नहीं आएगा ना? हाँ यहाँ पर से आ जाएगा थोड़ा हल्का फुल्का तो बची, बट ये पूरा खुला हुआ है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ना नेटवर्क के लिए ना एक ऐसा वाईफाई होता ना जो हम हाथ में ले जा सकते कहीं भी, और उससे नेटवर्क आ जाते और हम लोग आराम से वीडियो अपलोड कर पाते यार। तो यार जो आपका थल केदार मंदिर के जस्ट बगल में जो टावर दिखता था नेटवर्क का पिथौरागढ़ से, जो मैंने आप लोग को छत से दिखाया था, वो ये सामने रहा भाई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं थल केदार मंदिर के बहुत ही नियर पे, और जस्ट थोड़ा सा आगे पे बचा हुआ है, और हमारे भाई लोग आगे निकले। हर हर महादेव। जिस डेस्टिनेशन यानी कि थल केदार मंदिर के लिए आज हम लोग निकले थे ना, फाइनली हमसे थोड़ा सा कदमों की दूरी पे वो मंदिर है, तो जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं।
महादेव के मंदिर में, और इस बार की शिवरात्रि हमारी यही मनेगी भाई। आज तो भाई भगवान ने बहुत परीक्षा ली हमारी, बहुत बहुत ही ज्यादा परीक्षा ली। अरे 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 तो मंदिर के स्टार्टिंग में आप लोगों को इस टाइप से रूम दिख जाएंगे, धर्मशाला है, और यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है मेरे ख्याल से आई थिंक, और पूरा ये जो मेन मंदिर है वो सामने पे। तो यार कुछ इस टाइप की है भाई धर्मशाला, बढ़िया मतलब भाई बहुत सही है, ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग अपने पहाड़ों जैसे नानी लोग के घर नहीं होते अपने, वैसा लग रहा है सेम। आप लोग जानी है एक नाइट स्टे करना है, जैसे भी हो जाए बढ़िया से। किचन है अच्छा, मतलब यहाँ पे हम लोग चाय भी बना सकते हैं, यहाँ पे तो पूरी सारी की सारी सुविधा यार, हर आइटम बना सकते हैं, मतलब अपने लिए कुछ बनाने के लिए लाइए और सब चीज यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। ये पूरा किचन इचन सारा लकड़ी वकड़ी की जितना भी सामान वामान है सारा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे को, सब किचन है एक तरह से। अभी यहाँ पे को बैग वैग रखते हैं, नेटवर्क आते चलते हैं, चलो ठीक है। यार हम लोग पहुंचे थे आपका थल केदार मंदिर, और वो रहा सामने हमारा थल केदार मंदिर, हर हर महादेव, मतलब नीचे वाला जो रूम है वहाँ पे हमने बैग रख रखे हैं। ये जो मंदिर है ना ये टॉप ऑफ दी मतलब माउंटेन्स में है, यहाँ मतलब चट्टान में, और देखो इसके नीचे मतलब ये पहाड़ है ना एकदम छोटे छोटे लग रहे हैं। फिलहाल यहीं से हमारे जो शिव भगवान है उनके दर्शन आप लोग को हो जाएंगे, हर हर महादेव, और यहीं से मंदिर की स्टार्टिंग हो जाती है। वेल जो आप लोग ये देख रहे हैं वाला मंदिर, ये हमारे जो शिव के गण हैं लटेश्वर उनका मंदिर है, उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई अंदर पे, और इतना प्यारा सनसेट आ रहा है ना भाई। एक तो ये टॉप ऑफ दी मतलब माउंटेन है, तो वहाँ से अभी सूरज मतलब अभी टॉप में है मतलब, तो यहाँ से पूरा क्लियर आ रहा है। ये टंकी दिख रही है ना आप लोग को, यहाँ पे जो पानी है आई थिंक वो सब बारिश का होता है शायद इकट्ठा जितना। ठीक है पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, कुछ इस तरह का है भाई मंदिर, ये सब में सब मतलब जो टाइल्स है ना और ये मंदिर है, ये मैं एक्चुअल में बताऊँ तो मैं वीडियोस में देखा करता था रील्स वगैरह में, और आज फाइनली यहाँ पे को पहुँच रहे हैं हम लोग। एक पंडित जी वो थे और एक पंडित जी हमारे हैं, प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो यह है भाई आपका थल केदार मंदिर कुछ इस तरह। तो अभी हमें हम लोगों ने आपका पंडित जी से टीका वगैरह लगवा लिया, और ये जो आप लोगों को टाइलें दिख रही है ना ये अभी हाल ही में लगाई है। पंडित जी बता रहे थे कि जो ये हवन कुंड है इससे नीचे का जो एरिया था ये धस गया था करके, इससे वापस से इसको रेनोवेट कर रखा है। और यहाँ पे को क्या है ना, जो आपका जम्मू कश्मीर में मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि जम्मू कश्मीर में जो एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी चट्टान है, उसी हाइट की ये जो मंदिर है थल केदार उसकी चट्टाने भी हैं, और ये जो मंदिर है थल केदार ये पिथौरागढ़ की सबसे हाईएस्ट चोटी में है। मैं तो सोचा था कि जो असुरचुला मंदिर है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन मैं गलत था, पंडित जी ने बताया कि सबसे हाईएस्ट पीक है जो ध्वज मंदिर है उससे भी हाईएस्ट वाला है। वेल अभी इतना ज्यादा आज तो क्राउड देखने को नहीं मिल रहा, बहुत गिने चुने लोग भाई लोग आ रहे हैं हम लोग, और भाई कैसी वाइब है अभी, कैसा लग रहा भाई लोगों? बढ़िया शांति मिल रही बहुत ज्यादा, चलो बढ़िया। आप लोग पहले भी आए होंगे? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे को हम लोग जरा सिनेमैटिक्स वगैरह ले लेते हैं और फोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि अगर धूप चले गई तो फिर नाइट में उतनी ज्यादा प्योर और क्लियर नहीं आ पाती है फोटो या वीडियो। और इतना सही लग रहा है ना, बहुत मस्त है यार ये चीज देख के। यहाँ पे कुछ सब जगह आप लोग को जो हमारे शिव जी है उनकी स्टैचू वगैरह दिखी दिखी, ये चढ़ाई गई है, ये चांदी की है, ये सब शिव जी है हमारे। एक संरचना कहते हैं ना स्ट्रक्चर, वो एकदम मुकुट के तरह है, वो देखो ऊपर साइड। ऐसे ऐसे शाम होने लग गई ना, वैसे वैसे अब ठंडा भी होना स्टार्ट हो गया है। वेल यहाँ से जो ये नीचे नीचे के पहाड़ है ना ये तो इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना भाई, यहाँ पे वहाँ पे साइड में गांव गांव भी हैं, और जो पिथौरागढ़ है ना वो जो ये आप लोग को दिख रहा है ना ये टावर जो है ये पिथौरागढ़ से भी दिखता है, वो सामने कौन ने वो सबसे आगे पे आपका पिथौरागढ़ जो शहर है, और वो आगे हिमालयस, ये तो अभी ढके हुए हैं बादलों से। तो मैं आप लोगों को थोड़ा मंदिर के अंदर के दर्शन करा देता हूँ। ये हमारे नंदी भगवान है, इनके अगर आप लोग कान में ना कहते हैं कि अगर आप लोग इनके कान में मन्नत मांगेंगे ना तो सीधा जो केदारनाथ है केदारनाथ मंदिर में जो नंदी है उनके कान तक पहुँचती है ऐसा माना जाता है करके, तो हम भी कल मन्नत मांगेंगे। और वेल कुछ इस तरह का है अंदर से हमारा थल केदार मंदिर, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुछ हमारे शिव भगवान है उनका शिवलिंग है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे कोई एक और रूम है, यहाँ पे को आई थिंक धर्मशाला है या यहाँ पे को मेरे ख्याल से वो होते हैं जो भजन कीर्तन होते हैं रात को, वो सब होते हैं आई थिंक, आज यहाँ पे को भजन कीर्तन हो सकते हैं रात को। तो अभी हम लोग आपका मंदिर से तो आ गए,
और मैंने मोबाइल पे चार्जिंग लगाया हुआ था। अभी हम लोग जरा चाय पी रहे हैं बढ़िया से। वेल भाई चाय पियो बढ़िया गर्मा करो। और भाई इतनी भूख लग रही है ना, लेकिन अभी हमारा एक काम है कि हमें पहले जार होता है ना, जार जर्किन होता है, पहले उसे पानी आने से भर के लेके आना नीचे से, तो पहले वो भर के लाता है बढ़िया से, उसके बाद फिर आराम से रेस्ट करेंगे और मोबाइल को भी चार्ज लगाएंगे। तो इस वाले रूम में तो हम लोग रह रहे हैं और इसके ठीक सामने यहाँ पे को आपका खाने आने की व्यवस्था है। यहाँ पे को अभी क्या है कि हम लोग ने अपना दो जर्किन उठा लिया और अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे पे आपका पानी भरने के लिए जा रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट मतलब एक रोमांचक जो ट्रैक होता है, कहते हैं रोमांचक वैसा लग रहा है, और हमारा जो सफर होता है यहाँ से शुरू हो गया। और वो देखो भाई कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है भाई, गजब ही भाई विटा कितना सही लग रहा है। मतलब ये है कि ना ये कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन रियलिटी जो हम देख पा रहे हैं भाई वो बहुत गजब है। यहाँ पे वो जर्किन अकेले पकड़ लिया हम लोगों ने, और जो मंदिर है ना उसके बैक वाली साइड से आपका नीचे सीढ़ियाँ है, वहीं पे आगे पे क्या है कि एक नीचे पे को 500 मीटर नौला है, तो अभी हम लोग वहीं जा। ठीक है, ये भैया तो अपना यहीं पे रह रहे हैं मंदिर में, और ये आपका गद्दे वगैरह सब लगाएंगे। चलो फिर ठीक है, और ये लोग आपका सब्जी वगैरह भी काटने वाले, तब तक हम लोग आपका पानी भर के लाते नीचे नौले से। तो यहाँ पे को वैसे नल तो है लेकिन ये रिजर्व है भाई, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। और बुबू भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है बुबू आपका। ये भाई बहुत टॉप की चट्टानों में बना हुआ मंदिर है यार पूरा, ये कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है कोई, ये चट्टाने हैं। वेल जिस रास्ते से हम लोग आए थे ना वो तो वैसे रोड बाय रोड वाला रूट था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से पैदल जाना चाहते ना पिथौरागढ़ को, तो हम लोग जिस रास्ते से अभी पानी भरने के लिए जा रहे हैं वहाँ से जा सकते हैं। तो वाले यूवी भाई कह रहे थे कि अब शायद जाने दिन उसी दिन हम लोग यहीं से जाने वाले हैं, क्या कहते हो? उसी दिन नहीं, कल, मतलब कल, सॉरी। तो यह है भाई आपका नौला, और यहीं से अभी हम लोग पानी भरेंगे। वेल ये चीज मैंने आप लोगों को गंगोली आर्ट में ही बताई थी नहीं, कि आप लोग पहाड़ों को आओगे ना तो पहाड़ों में क्या आता है ना, जगह जगह पे आप लोग को इस टाइप के नौले मिलेंगे जहाँ से पानी निकलता है भूमिगत तरीके से जमीन से। और यहाँ पे को भी अगरबत्ती वगैरह धूप जलाई है क्योंकि यहाँ की भी मान्यता है। तो यहाँ पे को पानी आनी भर लिया। वेल यहाँ पे को क्या हो रहा है ना, पहाड़ों में आवाज गूंज रही है बड़ी खतरनाक, वो सुना तूने? वो चिड़िया है, शाल है, पता नहीं। चलो यार अपना भाई ला रहा है, बहुत थैंक यू आप सभी का। वेल मैं ऊपर सीढ़ी से पकड़ लूंगा, ठीक है? पकड़ना पड़ेगा दे। ठीक है ये आगे से आ रही है, पीछे साइड मतलब वहां से जानवर की आ रही है। पता है भयंकर चारों पे तो अंधेरा हो गया ना कसम से, ये कैमरे में तो क्लियर दिख रहा है, अभी उजाला लग रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत अंधेरा हो गया। पंडित जी कह रहे थे नीचे 500 मीटर है, ऐसा लग रहा है मानो 1 किलोमीटर आगे आ गए। तो फाइनली यार वापस से हम लोग आपका मंदिर में पहुंच गए। हम लोग आपका पानी आनी भर के तो आ गए थे, और यहीं पे को आपका किचन वगैरह है, आपका हमारे पंडित जी सर लोग हैं, आपका खाना ना भर रहे, सब्जी वब्जी बन रही है बढ़िया से, और एक तरह से भंडारा ही हुआ क्यों सर? और यहाँ पे अभी सब लोग मिलजुल के अपना आटा गूंद रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे दादा लोग अपना आलू उबाले हुए हैं, वो छिल रहे हैं अपना। अभी जस्ट मंदिर में आपका खाना पीने का काम चल ही जाता, वैसे हम पानी आनी पहले लाके रख दिया था हम लोगों ने, और अभी हम लोग मिलाने वाले हैं आपको हमारे जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे। वैसे हम लोगों ने इनको क्या कहते हैं कई के व्लॉग में देख रखा था, और फाइनली आज हमें इनसे मौका मिल रहा है मिलने का। वेल आपका नाम सर? वैसे तो मेरा जो एक स्वामी विरक्तानंद नाम से कितना साल हो गया सर आपको यहाँ? यहाँ में जो है कि आपके 2017 शिवरात्रि के दिन आया था, तब से यहाँ की होलसेल व्यवस्था है जो भी आप देख रहे हैं। और इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं जो है कि हिमाचल में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा, दिल्ली भी रहा। हाँ। मंदिरों में या ऐसे मंदिरों में? अच्छा। मैं शुरू से अखाड़े से संबंधित हुआ। हाँ। बचपन से ही छोटे से जो साल। आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश मेरी नेपाल की हुई। नेपाल में 8 साल की उम्र में नेपाल से निकल लिया था। हाँ। उसके बाद मैं अखाड़ों के साथ संबंधित जुड़ा, फिर मैं सत्संग करने लगा, कथाएं प्रवचन। तो इस रूप में मुझे भारत भ्रमण, मैंने 22 साल भारत भ्रमण किया है। 22 साल भारत भ्रमण करने के बाद 2017 में शिवरात्रि के दिन में थलकेदार मंदिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड। हाँ। इस दरबार में जब पहुंचा हूँ तो तब से जो एक सारी व्यवस्थाएं जो एक पूरी जिम्मेवारी मेरे हाथ में आई। वेल कल आपको पता है कि आज कल है महाशिवरात्रि। बिल्कुल। कल आपके हिसाब से मतलब कितना ज्यादा क्राउड, कितना ज्यादा भीड़ यहाँ हो सकती है? यहाँ शुरुआत में जब आया था मैं तो 1-1.5 हजार के आसपास होते थे। अब कल के दिन भविष्य आप जो कि पब्लिक काफी पब्लिक सिटी है, 3-4 हजार के आसपास पब्लिक कल श्रद्धालु लोग थलकेदार मंदिर की बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। शिवरात्रि एक साधना का जो है कि संयोग है। शिवरात्रि शिव की रात्रि है, और शिव की रात्रि में जितनी साधना करो, जितनी पाठ पूजा करो, जितनी आराधना करो, उतने जो अपनी लाइफ के लिए लाभ होता है। यहाँ कहते हैं अर्जुन ने पांडवों ने भी पूजा की है। बिल्कुल, ये अज्ञातवास जब उनका हुआ। हाँ। इस दरबार से जो है उन्होंने साधना किया, यहाँ से जो है थलकेदार प्रदान दिया है।
आशीर्वाद प्राप्त किया पांडवों ने। जो भक्त हमारे श्रद्धालु लोग बाहर चार धाम यात्राएं नहीं कर सकते तो थलकेदार बाबा के दर्शन करने से उनको चार धाम यात्रा का फल मिलता है। जो हमारा एक एक पल है, जो हमारा एक एक सांस है, इनकी बड़ी कीमत है, ये खरीदने से नहीं मिलती है। जो निकला तो सो निकला वापस नहीं। बड़े भागमानस तन पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, देवता लोग भी तरसे हैं इस मानव तन के लिए। अगर परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा किया है तो इस कृपा का जो है लाभ उठाना है और अपनी मेहनत अपने जो है कर्म क्षेत्र को सुधारते हुए और कोशिश ये करनी है कि कहीं से कहीं हम पर जो है कि कहीं किसी कदम पर किसी नजर पर हमसे जो है कहीं मिस्टेक ना हो। कर्म प्रधान है, आप कर्म करो, कर्म का फल आपको मिलेगा ही। अच्छा करोगे तो भी मिलेगा, बुरा करोगे तो भी मिलेगा, छुपता नहीं। ठीक, क्योंकि जो हमें देखने वाली जो है शक्ति है उसके हजारों आंख है, हमारे सिर्फ दो आंख है। दो आंखों से हम छुपा सकते हैं पर हजारों आंखों से जो है छुपा नहीं सकते। शिवरात्रि की सभी भक्तों को जो है बहुत बहुत बधाइयां, लाखों लाख शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय थलकेदार बाबा, जय महाकाल। सब सब अभी वैसे खाना आना बनाने की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, सब लोग एक साथ लगे हुए थे। दूसरी साइड तो आपका और भाई लोग भी हैं जो आपका पूरी वूरी बना रहे हैं और उसके साथ साथ सब्जी वब्जी बन रही थी। वेल अभी हम लोग याली साइड पे आए हैं, यहाँ पे को क्या कह रहे की तैरना तोड़ है गर्मा गर्म, इसे अभी हम लोग आपका पूरा छिल रहे हैं बढ़िया से, वहाँ पे को बना रहे हैं। कल ये जो चीज़ है ये आपका कल प्रसाद के रूप में जितने भी आपका श्रद्धालु लोग आएंगे उनको मिलेगी और शायद हमें भी मिलेगी उसके साथ। तो यार फाइनली अभी टाइम हो गया आपका 9:15 और सब लोगों ने अपना बढ़िया बढ़िया सहयोग करा और खाना सब्जी बन गया। वेल खाने में स्पेशली जो बना वो पूरी और आलू के गुटके आई थिंक बने हुए, तो चलते हैं लेट्स गो। और खाना तगड़ी रील वायरल हो रही है, चल चल सब में मेरी आईडी से भी शेयर कर दिया। खा लिया भैया? बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, हम भी खा लेते हैं जरा। तो यार फाइनली अभी हम लोग आए थे वहीं पे जहाँ पे वो खाना आना बन रहा था बढ़िया से और यहाँ पे को सबके सब ही अपना खाना बनाने के लिए लगे हुए अपने भाई लोग अपना, और यहाँ पे को आपका पूरी वगैरह और सब्जी वगैरह बन रही है, वही है पूरी और बेसिकली जो आपका आलू के गुटके होते हैं वो बन रहे हैं। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे खाना आना ले लिया, अब हम लोग यहाँ से आपका वहीं पे रूम में जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सुबह आपका यूवी भाई अपना खाना भी लाए थे तो वो मिक्स करके अपना खाएंगे। वो ये यूवी भैया अपना घर से लाए थे पूरी वगैरह, पूरी लाए तो भी पूरी सब्जी वगैरह भी है शायद इसमें पूरी वगैरह है सुबह की। तो अभी जल्दी से खाना आना खा लेते हैं, एक्चुअली यार बहुत भूख लग रही है, वैसे दिन में हमने शायद मैगी खाई हुई थी। तो भाई इतना ठंडा लग रहा है ना कसम से भयंकर ही, अभी यहाँ पे वो जस्ट जो भजन कीर्तन है वो चल रहे हैं अंदर पे। थे आपका भजन कीर्तन से, और भजन कीर्तन करने के बाद ऐसा होता है ना जो वहाँ की साउंड होती है यानी कि जो ढोलक बजती है, जो आपका तालियां बजती हैं और जो हारमोनियम बजती है, उनसे क्या होता है ना एक माइंड जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी आ गई कि ना भाई रात भर एडिटिंग करनी है और मतलब ये व्लॉग जो है कल अपलोड करना है कैसे भी करके, और अभी जो टाइम हो गया वो 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो आज का जो व्लॉग है ना भाई मतलब बहुत ही मस्त रहा, बहुत ही मतलब गजब का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो आपका रोड बाय रोड आए, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग करी पैदल ही पैदल, उसमें काफ़ी मज़ा आया। वैसे तो हम तीन जने आए थे, एक दोस्त हमें बाद में मिल गए थे तो उन्होंने हमारे ब्लॉग को ज्वाइन करा, हमारे जो ट्रैक चला था उसको ज्वाइन करा। फिलहाल आज वाले इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड स्टे कनेक्ट विद हनी। अच्छा कि कल
जो है आपका महाशिवरात्रि है, तो आपको एडवांस में महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल का जो व्लॉग है ना वो मिस मत करना, क्योंकि कल थल केदार मंदिर में इतना ज़्यादा क्राउड होगा ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, तो वो देखना मत भूलना।